जी अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त मौजूद है जनाब कैंट स्टेशन में और शहजाद जो मेरे साथ मौजूद है, शहजाद जा रहे हैं भाई अपने लंबे सफर पर। और शहजाद का कहने का मुझे बोलने नहीं आते हैं क्योंकि शहजाद का सफर बहुत लंबा है और मेरा साथ जो उनके साथ रहेगा कैंट स्टेशन तक। बेस्ट ऑफ लक शहजाद आपके सफर के लिए। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं यहाँ पर? नहीं नहीं यार, अस्सलाम वालेकुम, माहौल पहली दफ़ा जा रहे हैं यार हम लोग। इससे पहले मैं एक दफ़ा जा चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो दूसरी दफ़ा जा रहे हैं तो एक्साइटेड हूँ, मज़ा आएगा। बिजनेस क्लास, ग्रीन लाइन, जो कि आप लोगों को पता है कि बहुत ज़बरदस्त ट्रेन है, होपफुली मज़ा आएगा। और ये मेरी बेटी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है जैसे बच्ची ने बोला इंग्लिश में, और तो ऐसे ही है भाई। तो मेरा साथ इनका जो है वो यहीं तक रहेगा, मगर ये कि मैं इनके ब्लॉक में कैंट स्टेशन तक ही हूँ, तो आप लोग इन्जॉय कीजिएगा इनके साथ। और बिल्कुल सुबह से लेके रात तक आपको पूरा ब्लॉग दिखाएंगे, पूरे सफ़र का जो है रिव्यूज देंगे शहजाद, तो इनके साथ बने रहिए। जी बिल्कुल, और सारी कहानी बताएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप लोग हमारे साथ रहिएगा और नाश्ते से लेकर सफ़र तक का सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। टिकट प्राइस भी बताएंगे लेकिन थोड़ी देर। अच्छा जी, ये हम आपको दिखा रहे हैं बिजनेस क्लास की, ये है लोअर बर्थ जो कि बड़ी है, ये मिड वाली बर्थ है, ये ऊपर वाली बर्थ है और आप लोग देख सकते हैं सनी बैठे हैं आराम से। लेकिन अगर ये मिड वाली अगर खोल दिया जाए ना तो फिर बैठने की जगह कम होगी थोड़ा। अच्छा सॉकेट वगैरह भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सॉकेट ये सारे सॉकेट नीचे की तरफ ऐसी कर दो। एसी वगैरह बड़ा चिल हो रहा है और यहाँ फैन लगा हुआ है, इसके साथ साथ यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। ओके जी, हम लोग आ चुके हैं अपने केबिन में और सनी है मेरे साथ। सनी मुझे सी ऑफ करने के लिए आया है तो हम यहाँ का रिव्यू भी ले रहे हैं। सनी कैसा लगा आपको बिजनेस क्लास? देखिए बिजनेस क्लास तो है बहुत अच्छा, और पहली तो बात ये है कि यहाँ पर कोचेस नहीं है, मगर एक चीज मुझे रिव्यूज में यहाँ पर मैं आपको देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है वो बिल्कुल भी जो है वो फैसिलिटीज मुझे कम लगी, क्योंकि जैसे कि चार्जिंग पोर्ट का मसला बड़ा। अच्छा अच्छा, मैं ये बता दूं कि चार्जिंग पोर्ट जो है, सनी बोल रहे हैं, सनी ये बताओ कि लगा कैसे तुम्हें? मुझे ऐसा लगा कि मैं ढूंढ रहा हूँ यार, मिल नहीं रहा भाई यार चार्जिंग पोर्ट। अच्छा मैं आप लोगों को सही से समझा भी देता हूँ कि यहाँ पर पहले जो है वो एक सॉकेट हुआ करता था अपना, क्या नाम है, बिजली का, जहाँ पे लोग अपनी चीजें जो है वो मोबाइल चार्ज करता अपने अडॉप्टर के जरिए। लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ सॉकेट लगा दिया जिसके अंदर आप जो है सिर्फ केबल लगा सकते हैं और चार्जिंग कर सकते हैं। बाकी एसी वगैरह के लिहाज से बहुत जबरदस्त है, बहुत कूलिंग है, बहुत अच्छी कूलिंग है। और ईशल भी सोने की तैयारी कर चुकी है, लेटी हुई है, अभी लेटी हुई, सही है। बाकी है कि यार लोग पूछे इसमें जो है वो इसका टिकट कितना है, तो पर हेड या इस केबिन का जो बिजनेस क्लास है इसका 9,400 तकरीबन, समझ लें 9,500 है पर हेड। और हमने ये पूरा जो केबिन है जो 6 बंदों का होता है ये हमने पूरा बुक करवाया हुआ, तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि यार आपकी प्राइवेसी रहती है फैमिली की और आप जो है वो आराम से अपना सो सकते हैं, लेट सकते हैं, तो ये सारा कुछ है। तो इस वजह से हमने ये पूरा जो 6 बंदों का ये हमने करवा दिया। हालांकि हम लोग जो है वो टोटल खुद ही जो है वो 3 लोग हैं, तो लेकिन जो है हमने करवा लिया ताकि हमारी प्राइवेसी रहे। हाँ तो थोड़ी सी लोकेशन चेंज किए ताकि आप लोगों को मेरा चेहरा भी साफ दिखे, सनी भी साफ दिखे। तो सनी क्या कह रहे थे आप? जी बोले इनका चेहरा तो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल अच्छा चल रहा है और बिल्कुल खामोश होंगे आप तो 2 मिनट। यार तुम लोग चुप क्यों नहीं हो रहे, रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, ये देखो। देखें जैसे कि चेहरे की बात करी, देखें मेरे चेहरे पे तो रोशनी पड़ रही है थोड़ी, इनके चेहरे पे ज्यादा पड़ रही है। चले कोई भी अपनी गुजारा हो जाएगा। चले जी, ये बताएं कि कैसा लगा आपको यहाँ पे? बिल्कुल अच्छा लगा, मगर एक चीज और ये थी कि यार जैसे कि आपने बोला कि चार्जिंग पोर्ट का, पहले देखें पहले मैंने सफर किया, देखें मैंने सफर बिल्कुल किया, पहले में पहले थी चार्जिंग पोर्ट, अब नहीं है, ठीक है। तो फैसिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन ओवरऑल अच्छा है, ओवरऑल अच्छा है। वाईफाई की बात जरूर करूंगा मैं, शहजाद ने कहा, शहजाद ने कहा कि वाईफाई जो है वो कनेक्ट तो रहता मगर चलता नहीं। ये एक अच्छी बात है, जब वाईफाई आपका कनेक्ट रहेगा लेकिन वो वर्क नहीं करेगा। ये फैसिलिटीज जो है वो सब लिखी हुई होती है कि आपके पैकेज में कि सब कुछ होता है, एवरीथिंग इज सही है, मगर ऐसा कुछ नहीं है।
चले जी, अब हमारा सफर स्टार्ट होने वाला है, बाकी चीजें भी हम आप लोगों को साथ साथ बताते रहेंगे। सनी को अलविदा करने का टाइम आ चुका है। सनी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत सारा ख्याल रखूंगा। अब देखे ये मुझे ना रोना रोना मगर कोई बात नहीं भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बेस्ट ऑफ लक आपके सफर के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और साथ साथ जो है हमें अपडेट्स भी देते रहिएगा। बिल्कुल, मैं बाकी अपडेट देता हूं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिएगा। ओके जनाब, अभी जो है वो अखबार हमें मिले तो न्यूज़पेपर, तो ये देख सकते हैं आप। तो अभी अभी जो है हमें मिला है और ये भी कम्प्लीमेंट्री है साथ में ही। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी बताई गई हैं कि इसमें। ओके जी, हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और ये ईशल है, इसके लिए हमें अभी थोड़ा सा स्लो चल रही थी, लेकिन ये कि अब इसको अब ईशल को मैं तुम्हें झूला दूंगा और ट्रेन बहुत ईशल ओवर एक्साइटेड है और भूख लग गई है, अपना खाना खा रही है। चिकन मिल इसके लिए हमने ले लिया था। अच्छा, मैं ये बता दूं कि जो आप लोग अगर बिजनेस से या किसी से भी सफ़र कर रहे हैं, ग्रीन लाइन से सफ़र कर रहे हैं, तो आपको रात का डिनर जो है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, खाने में आपको मील नहीं मिलेगी, तो आप अपना मील जो है वो अपने साथ लेकर आए। और हम जब पहली दफ़ा सफ़र कर रहे थे ग्रीन लाइन में, तो हमें ये थोड़ा सा डाउट हुआ था, तो खैर हमने वहीं से यही प्लेटफॉर्म से ही जो है वो खाना ले लिया था। लेकिन इस दफ़ा हमें पता था ऑलरेडी, तो हम लेकर आए। तो आप लोग भी जब सफ़र कर रहे हो तो अपना खाना, अपना मील अपने साथ लेकर आए। और आते ही हमें जो है वो आपको दिखा दिया, मैंने न्यूज़पेपर मिला कॉम्प्लीमेंट्री, ये जूस मिला और बहुत और अभी हमने सारी चीज़ों को तरतीब कर दिया है। सफ़र हमारा देख लें शुरू हो चुका है, अगर आपको नज़र आए तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आएगा, रात का वक्त हो चुका है। खैर जी, सफ़र शुरू हो चुका है, अल्लाह ताला का नाम ले चुके हैं हम और दुआ आप लोग भी करिएगा। खैर जी, आफियत से अल्लाह ताला हमें पहुँचाए। इसके साथ साथ जो है वो जनाब बहुत अच्छी सर्विस है, सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगी मुझे। और सबसे अच्छी बात जो मुझे उस जो ट्रेन के हवाले से जो लगती है वो ये कि यार ये वक्त पे नहीं चलती, लेकिन माशाल्लाह से ग्रीन लाइन जो बड़े वक्त से जो है वो चलना शुरू हुई। तो जनाब 4:21 हो चुके हैं और हम पहुंचने वाले हैं रोड़ी स्टेशन। और रोड़ी स्टेशन जो है वो बेसिकली आप एक गाड़ी रुक रही है, स्लो हो चुकी है। हम आपको दिखाएंगे वहाँ से चाय वाय लेंगे, देखते हैं वहाँ की चाय पूरी मशहूर, तो चाय लेते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा है, मतलब स्टेशन का और चाय कैसी है, वो भी किचर बताएंगे आपको। और जनाब हम रोड़ी पहुँच चुके हैं, चाय कितने की भाई? हम उतर चुके हैं रोड़ी पे, पराठा नहीं है भाई? पराठा पराठा तो जनाब जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम रोड़ी स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। और रोड़ी स्टेशन में जो है अगर आप उतरते हैं और चाय नहीं लेते हैं तो फिर मज़ा नहीं है। तो चाय ज़रूर पिए क्योंकि रोड़ी की जो है वो चाय बहुत मशहूर है। और ये आपको देख के लेना पड़ेगा क्योंकि हर एक केबिन के सामने ही जो है वो एक चाय वाली की शॉप होती है, जो आपको लगे कि जो ज़बरदस्त बना रहे हैं वहाँ से लें आप। और ज़बरदस्त स्टेशन, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, एक्सप्लोर करें अपना पाकिस्तान, बहुत खूबसूरत है। एक्सप्लोर करें, रोड़ी की चाय पिए, इस्लामाबाद में नाश्ता करें
लाहौर के पाए खाए, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो जनाब हमने भी रोड़ी की चाय ले ली है और टेस्ट करके मैं बताऊं तो यार अच्छी है रोड़ी की चाय। और वैसे कराची की चाय की भी कोई बात नहीं, जो पठान भाई बनाते हैं वो तो खैर पेशावर की चाय होती है, लेकिन जी ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और बस 5 या 10 मिनट बाद जो है वो हमारी गाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी, तो बिल्कुल जी आगे भी हम आपको दिखाते हैं। तो सुबह होने वाली है 4 बजे 4:30 तकरीबन 4:45 हो रहे हैं, और सुबह का नाश्ता भी आएगा, नाश्ता भी दिखाते हैं हम आपको कि क्या मेन्यू में दे रहे हैं हम, तो हमारे साथ बिल्कुल वीडियो में जुड़े रहिएगा। तो जनाब देख सकते हैं आप लोग के सुबह का नाश्ता हमारे पास आ चुका है, और ये नाश्ता हमें दिया गया है पाकिस्तान रेलवे की तरफ से। तो नाश्ते में क्या कुछ है मैं आप लोगों को ज़रा दिखा देता हूँ। ये आप लोगों को एक बॉक्स दिख रहा होगा जिसमें से ब्रेड है, बटर है, साथ में जैम है, और ये ब्रेड ये देख सकते हैं आप लोग, इसके अंदर ऑमलेट, जैम और साथ में बटर, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें दी गई हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, डेफिनेटली आप लोगों को ये बताना चाहूँगा क्योंकि ये सुबह सुबह हमें रिसीव हो चुका है। तो जनाब नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया है, नाश्ता आप लोगों को दिखा दिया ये कैसा था, और आप लोगों को बताना चलूँ कि अभी हम लोग बस कुछ ही मिनट में भावलपुर स्टेशन पहुँच जाएंगे और 2 मिनट के लिए वहाँ पे स्टे, उसके बाद फिर वहाँ से गाड़ी निकल जाएगी। तो फिर थोड़ा सा लेकिन मैं आप लोगों को व्यू भी दिखाऊँगा कि भावलपुर स्टेशन कैसा है, और साथ में मेरे इंशाल्लाह बताएँ कि आपको नाश्ता कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा है। बाबा ने अंडा, जब मैं अंडा खाए तो उसके साथ ना बटर और ब्रेड खिलाते उल्टी आ गई। बोलिए बाबा ने जो है ना ब्रेड और मक्खन के साथ दिया, तो उसको प्रॉफिट आ गया। लेकिन खैर खाना, ये नाश्ता अच्छा था, कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें जो है वो हमें, मैंने आप लोगों को दिखा दी है क्या क्या चीज़ें थी, और ओवरऑल अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, सिवाय इसके कि चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर ऐसा है कि जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आप सिर्फ चार्ज ही कर सकते हैं, कोई और मशीनरी या कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते। ऊपर आके मैं लेट गया, थोड़ा सा सुकून यहाँ पर है, क्योंकि बिल्कुल देखिए छत बहुत करीब है मेरे भाई। ओके जनाब, इस वक्त तकरीबन जो है वो 11 बज रहे हैं और हम उतर चुके हैं आने वाल पे, देख रहे हैं आप, आने वाल का स्टेशन है ये, और इस वक्त यहाँ पे गर्मी बहुत हो रही है। इंशाल्लाह मिलता है, इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। हेलो, सही है जी, खाने वाले को उतरे, अभी देख रहे हैं हम लोग कोई ऐसी चीज दिखती है तो मैं बताता हूँ। और आप लोगों को मैं वीडियो भी दिखा देता हूँ। हाँ
तो भाई अभी खाने वाले का सफर है, खाने वाले पे तकरीबन 20 मिनट रुकेगी, इसके बाद हम जो है वो निकलेंगे। लेकिन जो है वो 20 मिनट यार गर्मी बहुत है, फील मुझे ज़्यादा होता है। ओके जी, इस वक्त जो है तकरीबन 12:15 हो रहे हैं दिन के, और हमारा खाना आ चुका है जो कि रॉयल स्विस की तरफ से है, जो ज़बरदस्त खाना होता है इनका, लाहौर में 5-star खाना है। तो इसमें हमें मिला एक रोटी है, सालन है, और साथ में मीठे में गुलाब जामुन है, और दाल है, और साथ में बिरयानी टाइप है, आई डोंट नो कि वो बिरयानी है या पुलाव। खैर जी, ये खाना मुझे देखने में तो बड़ा ज़बरदस्त सा लग रहा है, खाकर मैं आप लोगों को ज़रूर बताता हूँ कि है कैसा। तो बिल्कुल जी, मैं तो चला खाने, और ईशल ने तो बिस्मिल्लाह पढ़ भी लिया है, नहीं तो पड़ा। नहीं पढ़ा, चलो माशाल्लाह। चलो जी, मैं भी खाना खाने जा रहा हूँ, आओ खाने के बाद मिलते हैं और बताता हूँ, मैं खाने का रिव्यू देता हूँ मैं आपको। तो जनाब, खाना जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और मैंने सोचा है क्यों ना जो है उसको रेट कर दूं, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि खाना है कैसा वहाँ के। अच्छा, बिरयानी मिली थी, बिरयानी इन सब में बिरयानी को मैं टॉप मार्क दूंगा, क्योंकि बिरयानी अच्छी थी, और उसके साथ रायता मिला था हमें, रायता के साथ बिरयानी खाई, तो बिरयानी का टेस्ट आता, क्योंकि आपको पता है कि जब यहाँ पर जब भी हम सफ़र करते हैं तो खाना ठंडा होता है, तो उसमें जो है वो चावल वाले आइटम जो है वो खाए जाते हैं, तो बिरयानी जो है वो सही रही इस मामले में। उसके बाद ये दाल थी, दाल भी ठीक रेट करूँगा मैं। उसके बाद ये चिकन का कोरमा था या कढ़ाई थी जो भी, और उसके साथ एक रोटी थी। तो कोरमा मतलब सही है, ठीक है, बस एवरेज था, या कह लें कि ब्लो द एवरेज था। लेकिन ये कि बिरयानी ऐसी थी कि आप खा सकते हैं, आप आपको भूख लगी। उसके साथ गुलाब जामुन था, गुलाब जामुन ज़बरदस्त। तो ओवरऑल रेट करूँ मैं 10 में से, तो मैं रेट करूँगा 6.5। तो ये आप लोगों को रेटिंग से अंदाज़ा हो गया होगा कि खाना कैसा था। बहरहाल, खाना गर्म नहीं होता तो ऐसी बातें, खाने का टेस्ट नहीं आता, और जब आप सफ़र कर रहे होते तो वहाँ पर खाना आपको ठंडा खाना पड़ता। खैर जी, खाना जो है वो एक मशहूर जगह की है, जिसका नाम है रॉयल स्विस, और ये उसका खाना था, आई डोंट नो कि स्पॉन्सर था या क्या था। लेकिन खैर जी, बिज़नेस में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री खाना आपको मिलता है, ठीक है जी। तो ये था खाने का रिव्यू, बाकी हम अगला स्टेशन हमारा लाहौर है, लाहौर में उतर के लाहौर के स्टेशन में दिखाएंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि लाहौर में गर्मी कैसी हो रही है, क्योंकि गर्मी खाने वाले में बहुत ज़्यादा मिली। चले जी, आपका बहुत सारा ख्याल रखिए, जुड़े रहिए, बाय। जनाब, और इस वक्त तकरीबन दिन के 3 बज रहे हैं, और हमने जो है वो
सफ़र तय कर लिया है लाहौर तक का। लाहौर स्टेशन पे हम रुक चुके हैं, अब मैं बाहर जा रहा हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या माहौल है। अच्छा, यहाँ पर पिज़्ज़ा और ये सारी चीज़ें जो है वो ऑर्डर के लिए आपके पास आएंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर सफ़र जो है वो डायरेक्ट पिंडी तक का 7-8 बज जाएंगे। तो आपने जो भी खाने पीने की चीज़ें लेनी है वो अभी आपने ले कर रख लेना है। तो हमने ऑर्डर कर दिया है और अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ कैसा है। तो जनाब, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है माहौल बाहर का, जैसा मैंने दिखाया आप लोगों को वीडियो में, तो बड़ा रश है लाहौर के स्टेशन पे। तो एहतियात आप लोग ये कर सकते हैं कि अपने बच्चों को लेकर वहाँ ना हो, तो इसलिए मैंने भी जो है वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ पे नहीं उतरा। और साथ में मैं आपको बता चलूँ कि यहाँ से थोड़ा लंबा सफ़र है पिंडी तक का, और पिंडी पर जाके ये गाड़ी रुकेगी तो तकरीबन 8-8.25 हो सकते हैं। तो उस ड्यूरेशन में भूख लग सकती है, तो अपने ऑर्डर्स आप कर सकते हैं यहाँ पर। वैरायटी ऑफ फूड्स है लाहौर की, जितनी भी चीज़ें जो कि मशहूर हैं वो यहाँ पे मिलेंगी आपको खाने में। पिज़्ज़ा मिलेगा आपको, जिंगर बर्गर मिलेगा, शवरमा मिलेगा, रोल मिलेगा। इसके अलावा हमने जो ऑर्डर किया है वो ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा और साथ में जिंगर बर्गर और सैंडविच और साथ में शाम की वक्त की चाय। तो चाय ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता, देख लें आप लोग चाय। ठीक है जी, तो ये हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है, अब देखते हैं खा के फिर कैसे। और फाइनली हम आखिरकार अपने मंजिल मकसूद पर बाखूबी खैरियत पहुंच गए, और होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें जितनी भी चीज़ें मैं कोशिश कर सकता था मैंने कवर की है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और जो लोग ट्रैवल करने जा रहे हैं कराची से इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से कराची, वो जानना चाहते हैं ट्रेन के बारे में, तो इस वीडियो में तमाम डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दी है। होपफुली ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।